नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है विकास लाइफ केयर लिमिटेड। ये स्टॉक 5 रुपीज़ 5 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में फ्राइडे को इसने ट्यूजडे को इसने 1% का अपमूव दिया था। मार्केट कैप है इसकी 860 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 11.40% है। बुक वैल्यू 2.45 है। डिविडेंड ये स्टॉक देता नहीं है, फेस वैल्यू 1 है। फंडामेंटल वीडियो में ऑलरेडी इसके बना चुके हैं, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए देखें तो इस स्टॉक 50 एंड 200 दोनों डे में से नीचे ट्रेड करा है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। पी रेशो की बात करें तो यहाँ पे मेंशन नहीं है पी रेशो अभी रिसेंट। अगर किसी को जाननी होगी तो मैं कैलकुलेट करके डेफिनेटली बता दूंगी, कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखें तो अभी काफ़ी नीचे है, 1.84 पे है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी नीचे है, माइनस में है। इनफैक्ट सेल्स जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुई है, होपफुली जल्दी इंक्रीज कर जाएगी। सो बेसिकली बहुत ही कम दाम में हमें स्टॉक मिल रहा है। इसके फ्यूचर प्लान्स जो हैं, ये काफ़ी सारी चीज़ों में काफ़ी सारे पेटेंट्स हैं इस कंपनी के पास, एंड काफ़ी सारी चीज़ों में बहुत सारी कंपनी इसने एक्वायर करी हैं। एंड दुबई का स्काई 2.0 जो है वो भी इन्होंने 100% स्टेक लिया है। तो बेसिकली अभी ये है, सॉरी 100% नहीं लिया है, कुछ कम लिया है, बट उसमें काफ़ी उनके रेवेन्यू में ऐड होगा, कंसोलिडेटेड में ऐड होगा। स्टैंड अलोन में तो ऑफकोर्स नहीं होगा, बट कंसोलिडेटेड में उसकी सेल्स एंड एवरीथिंग काफ़ी अच्छा, वो एक पॉश क्लब काइंड ऑफ आप कह सकते हैं वो है। तो और भी बहुत सारी कंपनीज को इसने एक्वायर किया है, काफ़ी सारे पेटेंट आए हैं अभी रिसेंटली। तो मुझे लगता है कि ये कंपनी आने वाले टाइम में, मतलब अभी तो चलो ये स्ट्रगल कर रही है, थोड़ा सा इसके प्राइस ऊपर नीचे चल रहा है, वैसे भी इसने काफ़ी अच्छे रन दिए थे। यहाँ पे देखिए एक बार हम लगा के, तो यहाँ पे इसने दिए थे एक्सक्यूज मी, लगभग 60% के आसपास का इसने यहाँ पे रन दिया था। एंड उसके बाद कंसोलिडेट हुआ और बिल्कुल जो भी इसने रन दिया था वो बिल्कुल यहाँ पे पानी में चला गया। तो बेसिकली थोड़ा सा उसका 5% का प्राइस बैंड हो गया था, स्टेज 1 पे चला गया था एसएम की। एंड फिर करेक्शन आई मार्केट में, फिर उसके बाद न्यूज़ आ गई, कुछ करेक्ट हुई, निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग हुई, उस टाइम पे भी नीचे गया। ये निफ्टी की प्रॉफिट बुकिंग है, उस टाइम पे नीचे गया। तो बेसिकली अगर शॉर्ट में बात करूं तो वैसे फंडामेंटल वीडियो मैंने बनाई हुई है, वेरी फर्स्ट वीडियो है, फंडामेंटल्स एक्सप्लेन किया आप देख सकते हैं। एंड बाकी वीडियोज़ में जो जो न्यूज़ आई है वो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि इनका फ्यूचर विजन काफ़ी अच्छा है। वैसे भी अभी देखे तो इसको रिवर्सल यहाँ से मुझे लगता है मिलना चाहिए। इससे नीचे तो अब स्टॉक मुझे लगता नहीं है कि जाएगा, इसका बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है ये। इसके नीचे अगर जाता है तो फिर तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से हमें एक रिवर्सल मिलना चाहिए। वॉल्यूम की बात करें, एक बार बीएससी पे चलते हैं। बीएससी पे देखिए, ये किसी सर्वलांस में नहीं है, फेब्रवरी स्टार्टिंग में ही निकल गया था सर्वलांस से, बट प्राइस बैंड अभी इसका 5% का ही है। प्राइस बैंड इसका भी चेंज हुआ नहीं है, एंड कोई ऐसा न्यूज नहीं है जो इसके प्राइस के अप या डाउन मूव में किसी तरीके की अभी मदद करेगी। चलते हैं चार्ट पे, तो देखिए अभी के लिए हम लेके चले हैं ये जो हमारे टारगेट है, कि हमें लगता है कि 6 रुपीज के आसपास ट्रेड करता हुआ हो सकता है, अगर अगर मार्केट कंडीशन सही रहती है। क्योंकि जैसे आपको पता है कि वॉर की न्यूज एंड एवरीथिंग है, अगर कोई सीरियस सिचुएशन आ जाती है तो ग्लोबल न्यूज़ है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है मार्केट पे फर्क पड़ेगा। बट मतलब बहुत ज़्यादा दिन तक मेरे को लगता नहीं है इस न्यूज़ को भी डिस्काउंट करेगी मार्केट। तो अभी के लिए मुझे लगता है लॉन्ग टर्म की जरूर यहाँ पे एंट्री बनती है, बट ऑफकोर्स सोच समझ के बनाए, क्योंकि मार्केट में कंडीशन सही नहीं है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा सोच समझ के बनाए, लॉन्ग टर्म की जरूर बनती है। लॉन्ग टर्म की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, ये मैं बात कर रही हूँ जून के एंड तक की, तब तक सारा इलेक्शंस का एंड क्वार्टर रिजल्ट भी इसका आ जाएगा, सारी चीज़ें वो हो जाएंगी। एंड ये बात कर रही हूँ मैं 15 मई के आसपास की। मुझे लगता है कि 15 मई के आसपास हो सकता है कि यहाँ पे ये ट्रेड करता हुआ हो। उसके बाद ये वाली जो रेजिस्टेंस है ना, इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एक बार इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ऑरेंज है ये, तो ये वाली रेजिस्टेंस इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहने वाली है। ये रेजिस्टेंस भी इसकी काफ़ी स्ट्रांग रहने वाली है। मेजर इसको दिक्कत इसलिए आएगी क्योंकि इसका प्राइस बैंड जो है ना 5% का है। अगर इसका प्राइस बैंड चेंज हो जाता है तो मुझे लगता है कि इसको रिवर्सल में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अभी के लिए ये स्टॉक बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस पे ट्रेड करा है, एंड ये रेजिस्टेंस भी इसकी बहुत पावरफुल है। आप यहाँ से देख सकते हैं इस रेजिस्टेंस पे काफ़ी टाइम इसने ट्रेड किया है, 8 नवंबर से लेके लगभग लगभग 2 जनवरी तक।
तो मतलब 2 महीने के आसपास इसने इसी रेजिस्टेंस के अंदर ट्रेड किया, पहले भी कर रहा था फिर नीचे चला गया। तो वैसे अगर देखे तो 4 अक्टूबर से लेके 1 जनवरी तक, सो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने इसमें इसी ने ट्रेड किया है, फिर से उसी रेजिस्टेंस पे है ये। तो मुझे लगता है इसको ब्रेक करने में, अगर ये ब्रेक कर गया तो बहुत अच्छी बात होगी, इसको सपोर्ट बना लिया ना इसने, तो मुझे लगता है कि उसके बाद हमारी शॉर्ट टर्म की एंट्री डेफिनेटली ओपन होती है। बट अभी के लिए मुझे लगता है कि मार्केट के कंडीशन को देख के थोड़ा सा अगर इसको ये ब्रेक कर देता है, ये जो है 5.05 का, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो मुझे लगता है कि हम एंट्री बना सकते हैं लॉन्ग टर्म की अभी के लिए। एंड उसके बाद ये एंट्री मैंने बता दी आपको कि मई के एंड तक की है, एंड ये एंट्री जून के एंड तक की है, ठीक है। तो अभी अप्रैल चल रहा है, काफी लंबी एंट्रीज है, शॉर्ट टर्म की कोई भी एंट्री नहीं है। वॉल्यूम की बात करें तो आज वॉल्यूम, सॉरी ट्यूसडे को वॉल्यूम आया था 3.68 मिलियन का, एंड मंडे को वॉल्यूम आया था 5.36 मिलियन का। वॉल्यूम जरूर कम हुआ है, यहाँ पे हमें मिला था डाउन 1.96% का। तो देखिए जहां पे मार्केट इतनी ज्यादा गिरी थी, 10-10% स्टॉक नीचे गिरे थे, वहां पे ये उतना नहीं नीचे गिरा और इसने हमें मूव दे दिया था, काफी अच्छा रिवर्सल भी दिया था, तो ये एक काफी अच्छी बात है कि उतना नीचे नहीं गया था ये। यहाँ पे देखिए तो इसने कल भी मार्केट में रिवर्सल जरूर मिला है, पर बड़े सारे स्टॉक्स में हमें नहीं मिला है उतना अच्छा रन, तो यहाँ पे इसने हमें रन 1% का दिया है, तो मुझे लगता है कि इसका ना एक रिवर्सल है। बट फिर भी हम मार्केट में देख के एक बार बनाएंगे एंट्री, एंड मुझे लगता है लॉन्ग टर्म की एंट्री के लिए अगर हम इसको 1 साल के लिए रखें तो मुझे लगता है कि कंडीशन थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। एंड इस बार जो क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, आई एम वेटिंग फॉर दैट, आई एम डेस्परेटली वेटिंग फॉर दैट, क्योंकि मुझे लगता है कि स्काई 2.0 एंड बाकी कंपनीज जो इन्होंने एक्वायर की है उनका कंसोलिडेटेड में एड होकर आएगा, एंड मुझे लगता है रिजल्ट काफी अच्छा आने वाला है। होपफुली आई एम होपिंग फॉर दैट, लेट्स सी अब रिजल्ट कैसा आता है, क्योंकि इनके एक्सपेंसिस भी बहुत ज्यादा हुए हैं, तो वहां से भी वो भी निकलेगा, तो वो भी एक चीज है काउंट करने वाली। तो अभी के लिए ये मेरी एनालिसिस है, बाकी बाई सेल होल्ड की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। हाय, सो स्टार्टिंग में हमने डिस्क्लेमर दिया था कि वीडियो के एंड में कुछ न्यूज़ है, सो जल्दी ही हमारे चैनल पे जहाँ पे ये आ रहा है वीडियो, यहाँ पे और भी चीज़ें आने वाली हैं, जैसे कि सो बेसिकली मैंने कुछ वीडियोस में बताया है कि हम कोर्सेज पे काम कर रहे हैं, एंड कोर्सेज में काफ़ी चीज़ें आने वाली हैं, उसमें स्ट्रेटजीज रहेंगी, एंड कुछ चीज़ों को डीपली हम मैं कैसे एनालाइज करती हूँ या आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं उन सारी चीज़ों को, तो उसके बारे में ना काफ़ी सारी चीज़ें रहेंगी कि कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हम अपना सकते हैं। तो बेसिकली मैं अभी थोड़ा छोटी सी मैंने एक चीज करने की कोशिश करी है, जो कि है बेसिकली जब मैंने 8 साल पहले यहाँ पे स्टार्ट किया था, जो सीरियसली स्टार्ट किया था मैंने यहाँ पे करना इसमें शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, तो मुझे ना बड़े सारे चैलेंजेस आए थे, जैसे कि कोई इंडिकेटर लगा है तो वो कैसे लगा है, कोई मैंने पैटर्न बनाया है तो कैसे बनाया है। एंड जैसे कि मैं अभी इसी पे चल लेती हूँ, तो अभी मैंने इसकी वीडियो बनाई है इनफैक्ट, तो ये मैंने कैसे बनाया है, ये जो है इंडिकेटर्स ये कैसे काम करते हैं, ये जो सारा कुछ है ये कैसे काम करता है, फिबोनाची कैसे काम करता है, फिब ट्रेसमेंट कैसे काम करता है, एंड ये सारी चीज़ें कि ये सारे पैटर्न कैसे बनाने हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि कितना कैसे एनालाइज करना है। तो मैं काफ़ी ब्लैंक होती थी चीज़ों को देख के, क्योंकि जो मैंने कोर्सेज ज्वाइन किए थे, जहाँ से मैंने सीखा था या जिन्होंने मुझे सिखाया था, तो मैं काफ़ी ब्लैंक रहती थी चीज़ों को देख के कि क्या हो रहा है, कैसे होगा मेरे से। तो उस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने एक चीज़ करी है, मैं यहाँ पे क्योंकि जो कोर्सेज आने वाले हैं तो यहाँ पे बेसिकली फ्री में कुछ मटेरियल रहेगा, जैसे ये है हाउ टू फाइंड पेनी स्टॉक्स, है ना। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बताया है कि आप कौन से यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे एंड स्क्रीनर पे कैसे देख सकते हैं। तो मैंने कुछ ऐसी वीडियोस बनाने वाली हूँ जिसपे मैंने इंडिकेटर्स क्यों हैं, कैसे लगाना है, कैसे डिलीट करना है, एक ही चार्ट में मल्टीपल इंडिकेटर्स कैसे लगाने हैं, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताया है मैंने इसमें, इन वीडियोज में बताने वाली हूँ एक एक करके, एक ही वीडियो में नहीं होगा, एक एक करके कुछ वीडियोज आने वाली हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे को बहुत सारी ईमेल्स आती हैं, मैंने अपनी ईमेल आईडी दे रखी थी, कुछ क्वेरीज हो तो आप मुझे बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेजेस आते हैं कि मैम सीखना है
कैसे आप एनालाइज करते हो, तो इसके बारे में सीखना है। तो उसको मैं सिंप्लीफाई करना चाहती हूँ ताकि जब आप कोर्स ज्वाइन करें यहाँ पे, जो भी कोर्सेज आने वाले हैं, क्योंकि वो थोड़े से एडवांस होंगे, तो मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं वो कोर्सेज में इंडिकेटर लगाऊं कोई, या कोई भी ऑसिलेटर लगाऊं, तो आप ना जीरो से स्टार्ट ना करें, और आप ये ना हो कि ब्लैंक हो कि ये ऑसिलेटर क्या होता है, ये इंडिकेटर क्या होता है, या फिर मतलब कि बहुत सारे मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसको लेके कि ये लाइन क्यों लगाई है, ये अप ट्रेंड में, क्योंकि अप ट्रेंड में भी डाउन ट्रेंड देखना, उसका रिवर्सल देखना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तो आपको ना आप ब्लैंक ना हो, तो वो सारी चीज़ें, एंड कैसे स्क्रीनर पे ढूंढना है, कैसे ट्रेंडी लाइन पे देखना है चीज़ें, कैसे उसका डेटा देखना है, फंडामेंटल एनालिसिस जो होती है वो कैसे करनी है, तो उसके बेसिक्स जो है ना यहाँ पे फ्री में रहेंगे। दो सेक्शन बनेंगे, एक बनेगा कैंडलस्टिक पैटर्न का, उसमें मैं थोड़ा सा कैंडलस्टिक के बारे में बताऊंगी डिटेल में, ऑफकोर्स उसमें होगा कोर्सेज में, बट कैंडलस्टिक पैटर्न्स में वैसे सोच रही हूँ कि मैं सारा यहीं पे कवर करूंगी जो फ्री में अवेलेबल रहेगा, एंड वो रहेगा, एंड एक टूल्स का रहेगा जिसमें टूल्स में डिटेल में बताया होगा स्क्रीनर कैसे यूज करना है, ट्रेंडी लाइन कैसे यूज करना है, फिर जैसे एएसएम लिस्ट का कैसे देखना है, जो प्राइस बैंड चेंज होता है उसका कैसे देखते हैं, एंड जैसे कि ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज़ करना है उसमें, अगर आप हो सकता है कि कोई इंट्राडे कर रहे हो, तो अभी इंट्राडे पे मैं फोकस नहीं कर रही हूँ, बट आने वाले टाइम में ऑफ कोर्स करूँगी, तो इंट्राडे में उस पर जैसे आप फॉर एग्जांपल आप कुछ कर रहे हो एंड आपने अपना कुछ ट्रेड लिया है, तो उसके ऊपर कैसे आपको अलर्ट्स लगाने हैं, अपनी वो विश लिस्ट कैसे बनानी है, वॉच लिस्ट कैसे बनानी है, तो ये सारी चीज़ों को ना मैं कवर करने वाली हूँ। एंड आने वाले टाइम में कुछ हमारे एजुकेटर्स हैं जो शेयर मार्केट में कुछ कंसिडरेबल अपना टाइम दे चुके हैं, काफ़ी 8-10-12 साल दे चुके हैं, तो उनको भी हम लेके आने वाले हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, जिनसे उस हमें काफ़ी सारा नो हाउ जानने को मिलेगा कि क्यों, कहाँ, कैसे, किन कौन सी गलतियां हैं जिन जो हम ना करें तो हम बच सकते हैं, किस जिससे हमारा ज़्यादा नुकसान ना हो, एंड कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारा ट्रेड, हमें बेटर ट्रेड मिले, कैसे, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं, कैसे ढूंढने हैं स्टॉक्स जो कि काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहे हैं एंड हो सकता है कि अब ब्रेकआउट देने वाले हों, तो वो कैसे ढूंढने हैं, तो ये सारी चीज़ें ना मैं यहाँ पे फ्री में थोड़ा सा करने वाली हूँ, एंड ये बहुत सारे हमारे चैनल पे आने वाले टाइम में काफ़ी सारे हमारे प्लान्स हैं इस चैनल को लेके, एंड आने वाले टाइम में हम कुछ ऐसे एजुकेटर्स को इनवाइट भी करना चाहते हैं, एंड करने भी वाले हैं, एंड कुछ हमारे साथ कोलैब भी करने वाले हैं, एंड मैं बस ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके कि फ्री में यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मिलने वाली हैं, जो जिसके लिए बहुत सारे लोग बहुत सारे पैसे पे कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा सा आपको जो ग्राउंड वर्क है ना वो यहाँ पे मिले, बेसिक का भी रहेगा यहाँ पे, एडवांस भी रहेगा, एंड इंटरमीडिएट का भी रहेगा, तो जो एडवांस लोग हैं तो वो कमेंट सेक्शन में, जो वीडियोस बनेंगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि वो कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, तो हो सकता है कि जो यहाँ पे बिगिनर्स हैं जो बेसिक से ट्राई करना चाहते हैं वो उनको थोड़ा सा समझ आए कुछ चीज़ें, इंटरमीडिएट अगर कुछ जानना चाहते होंगे तो वो बता सकते हैं कि आपको क्या जानना है, कुछ नहीं समझ आ रहा किसी चीज़ के बारे में नॉलेज चाहिए तो वो बता सकते हैं, एंड बेसिक वालों के लिए जो भी क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि हम बिल्कुल ही लेमैन लैंग्वेज में बिल्कुल ही सिंप्लीफाई करके जितना हो सकेगा उतनी कोशिश करूंगी मैं कि बिल्कुल सिंप्लीफाई करके आपको यहाँ पे बता सकूँ वो बिल्कुल, ताकि आप जीरो से स्टार्ट ना करें जब आप कोर्सेज ज्वाइन करें, चाहे हमारे चाहे किसी के, तो क्योंकि थोड़े से एडवांस होते हैं तो हमारे करने होंगे तो हमारे कर सकते हैं, थोड़े टाइम में आने वाले हैं, किसी और के भी आप ज्वाइन करें तो आपको बेसिकली वो एक होता है ना कि होमवर्क रहेगा आपका कि आपको चीजें समझ आएंगी क्या हो रही है, ठीक है, तो रेस्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। तो अभी वीडियोस डली नहीं है, डलने वाली है, एंड कोई अगर इस वीडियो को लेट सुन रहा है तो आप जाके चेक कर सकते हैं, हो सकता है डल चुकी हूँ अभी तक वीडियो, ठीक है, थैंक यू।